अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम अपने यूट्यूब चैनल आर इज़ वन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। फ्रेंड, वीडियो देखने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। आइए देखते हैं चटनी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें इमली चाहिए। 125 ग्राम इमली लेकर हमने उसे 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, फिर हमने उसे छान लिया। चीनी चाहिए 1/2 कप, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, पिसा हुआ जीरा 1/2 चम्मच। तो आइए फ्रेंड बनाते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। फ्रेंड, सबसे पहले इमली का पेस्ट डालते हैं बर्तन में। साथ ही चीनी शामिल कर देंगे। सूखा मिर्च पाउडर, नमक और जीरा पाउडर, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे हल्की दरमियानी आंच पर पकाएंगे। इमली का मिक्सचर पकना शुरू हो चुका है। हमने इसे उस वक्त तक पकाना है जब तक पेस्ट गाढ़ा नहीं हो जाता। आराम आराम से चमचा चलाते रहें। फ्रेंड्स, हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। हमने तकरीबन इसे 15 से 20 मिनट पकाया है। सबसे पहले हमने 125 ग्राम इमली ली थी, उसे 1.5 से 2 कप पानी में भिगो दिया था 2 से 3 घंटे के लिए, फिर हमने उसे छान कर पकने के लिए रख दिया था। अब ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। हमने इसे इस तरह रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अभी तैयार है हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। आप इसे पकौड़ों के साथ खाएँ और समोसों के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।